और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर मस्जिद के दावे को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। आज इस मामले में क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने इस केस को अवैध करार दिए जाने की मांग की है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिया था कि वो एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति के साथ हलफनामा दाखिल करें। साथ ही दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी की कॉपी दिए जाने का भी फैसला सुनाया था। इधर हिंदू सेना ने भी मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा हिंदू सेना की ओर से बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचे और अपील दायर की। पिछले हफ्ते हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी के दौरान एक शिवलिंग मिला। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि परिसर में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है।